जो आजकल जो मोटापा चल रहा है या आजकल जो लोगों को मोटापा हो रहा है उसको उसकी जो चर्बी रहती है उसको कैसे कम किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं ये मोटापा होता क्यों है। तो सबसे बड़ी बात है मैं आज आपको बताऊँगा। पहली बात तो जो आप दिन भर में खाते हो उसको आप ठीक से पचा नहीं पाते हो, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है। और आगे फिर आप ऑयली फूड खाते हो, ऑयली फूड से क्या रहता है आपका मोटापा एंड चर्बी दोनों आती है। फिर आती है शुगर यानी शक्कर, आप शक्कर से भी आपका जो मोटापा रहता है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। फिर आप में खून की कमी रहती है जिससे कि आपके हार्मोन्स इधर उधर हो जाते हैं, जो आप यंगस्टर होते जाते हैं तो हार्मोन्स का चेंज होना एक नॉर्मल बात रहती है। तो उससे आपका वेट गेन होता है, यानी वेट उस टाइप का गेन होता है, वेट इस टाइप का गेन होता है, यानी आपका पेट निकल जाता है बाहर, आपकी जो थाइस रहती है आई मीन जो आपकी बेली रहती है, कमर रहती है, वो बाहर निकल जाती है। और फिर उससे आपका जो इम्प्रेशन रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आप लोगों के सामने ठीक से जा नहीं सकते हो, आप उनके सामने उठ बैठ नहीं सकते हो, और लोग आप पे बहुत सारे कमेंट्स भी मारते हैं कि मोटा अदर, और मतलब इतनी कमेंट्स मारते हैं हद से ज़्यादा, तो आपका इम्प्रेशन वहीं पे पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये मेन रीज़न होते हैं, और भी बहुत से होते हैं। पानी की कमी होना, उससे भी आपका वेट लूज होता है। उस पानी की कमी होना उससे आपका वेट गेन यानी चर्बी चढ़ती है जिससे कि वो चर्बी पिघल नहीं पाती। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वेट लूज कैसे किया जाता है, यानी जो चर्बी रहती है ना उसको कैसे हटाया जा सकता है नेचुरल उपाय। और आप पहली बात तो जो टेबलेट्स वगैरह खाते हो, जो आप यानी डॉक्टर कोई टेबलेट्स देता है, आप अगर महीना 2 महीना आप टेबलेट खाते हो उससे आपका वेट गेन होता है यानी आपकी चर्बी चढ़ती है। फिर वेट लूज करने का उपाय, आप दिन भर में कम से भी कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें जिससे कि आपकी जो चर्बी रहती है ना वो पिघलने की संभावना उससे ज़्यादा होती है। ऑयल फूड और ऑयल का जो भी सामान रहता है यानी आप सिर्फ सब्जी वगैरह इसको छोड़ के और सब खाना बंद कर दीजिए। और आलू आलू के जो चिप्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, आप खा तो लेते हो उसमें टेस्ट अच्छा आता है लेकिन वो फैट ज़्यादा लेके आता है, उससे चर्बी बाहर निकलती है। समोसे वगैरह इसमें बहुत मतलब कि, तो ये फिर आप दिन में कम से कम एक बार पपीता जरूर खाएं, वो वेट लूज में वो बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर आप खाएं किशमिश जो दागे रहती है उसका सेवन करने से भी आपका जो चर्बी रहती है ना वो पिघलने लग जाती है। आप बादाम खा सकते हो, और सबसे बड़ी बात आप एलोवेरा का सेवन जरूर करें, वो आपका वेट लूज करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और आप नीम की पत्तियों का भी सेवन करें, वो भी आपका कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर आपका वेट लूज कर देगी। और ये मैंने खुद ट्राई किया है, जब मैंने डाइट की थी ना तो फिर मेरा भी पेट बाहर निकलने लग गया था। बट तो पेट बाहर निकलने से क्या होता है, आपका जो इम्प्रेशन रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, जैसे कि आपका जो भी आप फिर कमेंट्स आप जो फ्रेंड रहते हो ना उनके सामने भी आपको सेम सी फील होती, शर्म सी फील होती। तो ये आप आपके लाइफ में यूज़ करें, और आप जो भी खाना खाते हो जो उसको आप आधा कर दें। अगर आपको वाकई में पतला होना है तो पतला होने वाली बात ये नहीं है कि आप डायरेक्टली पूरे पतले हो जाओ, आपकी बॉडी पूरा चेस्ट वगैरह पूरे पतले हो जाओ, ये पतला होना नहीं होता। आप आपके जो पेट रहता है ना आप उस पर काम करें, आप रनिंग करें, आप एवरी डे रनिंग करें, उससे कि आपका पेट लूज हो जाएगा। आप वर्कआउट करें, वर्कआउट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो डाइट रहती है ना वो तो रहती है बट वर्कआउट उसका 50% रहता है। डाइट से 50% अपन लूज भी कर सकते हैं वेट, और 50% अपन गेन भी कर सकते हैं, और वर्कआउट से 50% लूज भी होता है और 50% से गेन वेट गेन भी होता है। तो ये आप मैं वेट लूज करने की वर्कआउट मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वेट लूज वाली वर्कआउट वीडियो वो मैं आपको बना के बताऊँ। तो मैं इस वीडियो में
500 लाइक रखता हूँ, अगर आप 500 लाइक करोगे तो मैं आपको वेट लूज वर्कआउट की वीडियो 100% दूंगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ये बात ये मैंने जो आपको जो टॉपिक मैंने बताया है वेट लूज करने के, अगर वो आपको अच्छा लगे हो उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहा है, तो कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।